नमस्कार, मैं हूँ अर्षी शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर, आपके पसंदीदा खबरें फटाफट। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के खास मौके पर चंद्रपुर जिले में एक उत्साहपूर्ण अनोखा माहौल नजर आया। साथ ही पालक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कल डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा को नमन कर बहुजनों को ढेरों बधाई दी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी विनय गौड़ा ने जिले के सभी शराब दुकानों को बंद रखने की घोषणा की थी, लेकिन नागपुर खंडपीठ द्वारा इस आदेश को रद्द किया गया था, इसीलिए कल जयंती के अवसर पर सभी शराब की दुकानें खुली रही। ब्रह्मपुर स्थित एक लॉटरी सेंटर में ऑनलाइन सट्टा पट्टी का खेल काफी दिनों से चल रहा है। जुए के चक्कर में छात्र अपने माता पिता से पैसे लेकर जुआ खेलते हैं। यह अवैध धंधा छात्रों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिसके चलते सभी आक्रोशित माता पिताओं ने रोष जताकर इस अवैध धंधे को तुरंत बंद करने की मांग की है। चिमूर तहसील के वाढुना निवासियों द्वारा की गई मांग के बावजूद नागरिक अभी भी एसटी बस सेवा से वंचित है। ग्रामीणों का आरोप है कि जंगल से घिरे इस गांव में कोई सुविधा न होने के कारण उन्हें यात्रा करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच वंचित ग्रामीणों ने तत्काल बस सेवा उपलब्ध कराने की मांग की है। सावली तहसील में धड़ल्ले से सुगंधित तंबाकू बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बिहार खुर्द इलाके में किराए के कमरे में पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 1,00,000 रुपए का माल जब्त किया है। जानकारी मिली है कि आरोपी राहुल खोबरागड़े इस किराए के कमरे से ही प्रतिबंधित तंबाकू बेच रहा था। राजूरा तहसील में एक चोरी छुपे हो रहा बाल विवाह सफलता पूर्वक रोका गया। जिला बाल संरक्षण कक्ष एवं राजूरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ये बाल विवाह बंधन में बंधने से पहले ही रुकवा दिया गया। इस बीच लड़की के परिवार पर कड़ी कार्रवाई की गई है। वर्धा नदी के चिंचोली घाट से अवैध रेत की तस्करी के मामले में 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। इससे पहले महसूल विभाग के सामने इस घाट से अवैध रेत का परिवहन होते हुए भी उचित कार्रवाई नहीं की जा रही थी, लेकिन अब इन 6 ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ तहसीलदार के मार्गदर्शन में दंडात्मक कार्रवाई की गई है, जिससे अब रेत तस्करों में काफी डर का माहौल छाया हुआ है। मूल तहसील के बेंबल गांव में कुछ चोरों ने मौका देखकर 2,00,000 रुपए और 2 तोला सोना लूट लिया। ये चोरी फिरियादी सावन धरने के घर में हुई। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है कि आधी रात में ये चोर पीछे का दरवाजा तोड़कर घर में घुसे और अलमारी से पैसे लूट कर ले गए। यवतमाल जिले के कलेक्टर के नेतृत्व में 2,000 से अधिक विद्यालयों में किताबों का अमृत कुंभ। इस मोबाइल लाइब्रेरी की पहल कल से शुरू की गई। गौरतलब है कि इस अमृत कुंभ मोबाइल लाइब्रेरी से कई छात्रों को शिक्षा की सुविधाएं मिलने वाली है। फिलहाल इस अनूठी पहल की काफी चर्चा हो रही। कल बल्लारपुर के अंत्योदय लाभार्थियों को आनंद का राशन योजना के तहत 100 रुपए में राशन बांटा गया। हाल ही में ये राशन विसापुर स्थित पुनेकर के सस्ते अनाज की दुकान पर वितरित किया गया है। जानकारी मिली है कि अब तक लगभग 22,000 लाभार्थियों को ये आनंद का राशन वितरित किया जा चुका है। तो सी टीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ, आप बने रहिए सी टीवी के साथ। नमस्कार।